लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था कि कपलिंग ऑफ प्रोटॉन्स विद नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है? अब आप लोग देखो, ये आप कह दो कि कपलिंग थ्रू नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है? अब लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों के पास जो है वो दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स थे, ठीक है? आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आप लोग देखोगे कि आपका जो ये जो एक एच प्रोटॉन में जिसको अलाइदा लिखती हूँ ना बेटा, ये आप लोगों का कंसिडरिंग प्रोटॉन होता है जिसको लेके आप लोग जो है वो ये चीज़ें सारी ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, ठीक है? अब आप लोग देखो कि ये आपका कंसिडरिंग प्रोटॉन है और ये आपके पास जो है वो तीन प्रोटॉन्स के साथ जो है वो कपल करेगा, ठीक है? अब आप लोग देखोगे कि दो प्रोटॉन्स को आप मैंने यहाँ लिखा हुआ है टाइप वन और एक प्रोटॉन को मैंने लिखा हुआ है टाइप टू, ठीक है? अब आप लोगों के पास जो है ना इस केस में देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस केस में आप लोगों के पास जो है वो एन प्लस वन रूल जो है वो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप एन प्लस वन रूल आप लोग जो है आपके जब सारे के सारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट होते हैं तब आप लोग लगाते हो। अब आप देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट नहीं हैं, एक वन टाइप एंड टू टाइप, दो टाइप के आपके पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है? जब मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको ये समझ आएगी कि ये मैंने टाइप वन और टाइप टू क्यों लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन जब भी इस किस्म का केस होगा जिसमें आपका जो है वो कंसिडरिंग प्रोटॉन जो है तीन प्रोटॉन्स के साथ कपल करेगा, ठीक है, और वो प्रोटॉन्स जो है वो दो तरह के होंगे, तो इस केस में आप लोगों के पास बेटा या तो डी टी बनेगा या टी डी बनेगा। अब ये डी टी क्या है और ये टी डी क्या है बेटा? ये ट्रिपलेट ऑफ डबलेट्स होता है और ये डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है? नाम सुन के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ ये क्या है बेसिकली बेटा। अब आप देखो कि पहले हम लोग जो हैं वो डी टी को कंसिडर करते हैं, ठीक है? डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स को कंसिडर करते हैं कि कैसे, मतलब आप लोगों के पास जो हैं वो नेबरिंग प्रोटॉन्स, तो देखो एक ये आप लोगों का जो है ये कंसिडरिंग प्रोटॉन है, ठीक है? इसको लेके हम जो हैं वो सारे का सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं सिस्टम, ठीक है? तो अब आप देखो कि आपके पास जब पहले किसी भी प्रोटॉन की नेबर में जब तीन प्रोटॉन्स होते थे, तीन कह रही हूँ, ये देखो वन टू एंड ये देखो ये कार्बन इस बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो आप देखो वन टू थ्री बॉन्ड कपलिंग तो ये पॉसिबल है, ठीक है? ये विनाइलिक विसिनल कपलिंग भी होती है, ठीक है? और ये देखो वन टू थ्री तो ये भी थ्री बॉन्ड कपलिंग है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है? तो अब आप देखो ये वाला प्रोटॉन इसके साथ भी कपल करेगा, ये वाला प्रोटॉन इसके साथ भी कपल करेगा, ठीक है? लेकिन आप देखो अगर तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो ये वन टू थ्री ये तीनों के तीनों अगर इक्विवेलेंट होते तो आप लोग एन प्लस वन रूल लगा के क्या कर देते, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, क्वार्टेट आ जाता आप लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास क्वार्टेट नहीं आ रहा, यहाँ पे आप लोगों के पास डबलेट ऑफ ट्रिपलेट आ रहा है बेटा, ठीक है? अब ये कैसे आया, ठीक है? अब आप लोग देखो कि सबसे पहले, ठीक है, इस केस में जब आप लोगों के पास आपके दो टाइप के प्रोटॉन्स हों, ठीक है? अब आप देखो ये दोनों एक तरह के प्रोटॉन हैं क्योंकि इनके सराउंडिंग में एक सी एल है और दूसरी तरफ जो है वो कार्बन है, ठीक है? और ये आप देखो ये एक तरह का प्रोटॉन है कि इसकी नेबरिंग में आप लोग देखो कि जो है वो एक कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है? यहाँ पर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है? ऑल्दो के इसकी नेबर में भी सी एल है, बट आप लोग देखोगे ये कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक होगी बात? तो ये वाले प्रोटॉन्स इन वाले प्रोटॉन्स के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, आपस में ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन तभी हम लोगों ने कह दिया कि ये क्या है, टू प्रोटॉन्स जो है वो टाइप वन में आ गए, ठीक है? और ये वाला प्रोटॉन जो है वो इनसे नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक होगी बात? तो ये आ गया आपके पास टाइप टू, बात क्लियर होगी? अब आप लोग देखो कि इस केस में व्हेन एच और आप लोगों के पास ना ये डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स कब बनता है, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स कब बनता है, जब आपके पास आपका एच ए कपल्स विद वन प्रोटॉन ऑफ लार्ज जे वैल्यू एंड देन कपल्स विद टू प्रोटॉन्स ऑफ स्मॉलर जे वैल्यू, ठीक है? अब डी टी आप देखो पहले डेफिनेटली आप हमेशा ये बात याद रखना, मैंने आपको शायद कल के लेक्चर में भी बताया था कि फर्स्ट जब आप लोगों की कपलिंग होगी वो स्ट्रांग होगी और उसका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो हमेशा लार्ज होगा, ठीक है? फर्स्ट कपलिंग जो होगी उसका कपलिंग कांस्टेंट जो है वो हमेशा लार्ज होता है बेटा, हमेशा लार्ज होता है, इस बात को आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अब आप लोग यहाँ पे देखो कि दोनों जो है वो थ्री बॉन्ड कपलिंग हो रही है, वन टू थ्री,
वन टू एंड ये थ्री बॉन्ड कपलिंग। तो हम लोग क्यों कह रहे हैं कि व्हेन एच ए कपल्स विद वन प्रोटॉन ऑफ लार्जर जे, ठीक है। अब आप लोग देखो कि इसमें इस वाले प्रोटॉन के साथ जब कपल करेगा तो आपको जे की वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलेगी, 8 to 12 हर्ट्स। बताया था ना मैंने कि जब आप लोगों के पास विनाइलिक कपलिंग होगी, ठीक है, या विसनल कपलिंग आप लोग कह दो, तो और थ्रू अगर डबल बॉन्ड हो रही है तो वैल्यू 8 to 12 होगी। अगर सिंगल बॉन्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड हो रही है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये आपके पास कितनी होगी, 6 to 8 हर्ट्स होगी। लेकिन थ्रू डबल बॉन्ड हो रही है, ठीक है, तो अब देखो ये थ्रू डबल बॉन्ड हो रही है तो वैल्यू आपके पास कितनी एक्सीड कर जाएगी, 8 to 12 हर्ट्स चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देखो कि इस केस में आप लोगों के पास जो है वो लार्जर जे बन रहा है ना, ऑल्दो कि ये भी आप लोगों के पास थ्री बॉन्ड कपलिंग है, लेकिन आप देखो ये थ्रू सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू तो आप लोगों के पास जो है वो 8 to 12 हर्ट्स नहीं आएगी, ये तो 6 to 8 हर्ट्स के करीब करीब होगी, ठीक है, 6 to 8 हर्ट्स के करीब करीब होगी ये, क्योंकि ये थ्रू सिंगल बॉन्ड है, थ्री बॉन्ड कपलिंग है बट थ्रू सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका जे जो है वो स्मॉल होगा। और आप लोग देखोगे कि इसका जे आप लोगों के पास लार्ज है, तो डेफिनेटली ये वाला प्रोटॉन, अब क्वेश्चन तो ये अराइज होता है ना कि ये वाला प्रोटॉन जब तीनों, जब दोनों इनसे भी और इनसे भी थ्री बॉन्ड के डिस्टेंस पे है, तो ये पहले इसके साथ क्यों नहीं कपल कर रहा, ठीक है, और ये पहले इसके साथ क्यों कपल कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि पहले इस एच बी के साथ इसलिए कपल कर रहा है क्योंकि आपके पास जो है वो लार्जर कपलिंग कॉन्स्टेंट जो है वो पहली कपलिंग के थ्रू लार्जर कपलिंग कॉन्स्टेंट आना चाहिए, ठीक है, और वो तभी आ सकता है जब वो एच बी के साथ कपल करेगा, ठीक है। इसके साथ अगर कपल करेगा तो इस केस में तो आप लोगों के पास ये स्मॉल जे देगा, लार्ज जे नहीं देगा। इसके साथ जब कपल करेगा तब ये आप लोगों को लार्ज जे देगा। पहली आप लोगों के पास कपलिंग स्ट्रांग होती है हमेशा, ठीक है, और लार्ज होती है उसकी वैल्यू, जो सिर्फ इस केस में पॉसिबल है जब एच ए आपके एच बी के साथ कपल करेगा। अब आप लोग देखो बेटा, इसने इसके साथ कपल किया, ठीक है, तो एक सिंगल पीक क्या हो गई, डबलेट में चेंज हो गई, ठीक है, डबलेट में चेंज हो गई। अब आप लोग देखो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है, ये अब दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है ना, ठीक है, तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए बेटा, ठीक है, आप लोग फॉर टाइम बिंग इस पे जरा एन प्लस वन रूल लगाओ। ऑल्दो के ऐसे कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग में आप लोग एन प्लस वन रूल नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ कि ये तो आप लोगों के पास इसके साथ कपल करके डबलेट बन गया, ठीक है। अब वो डबलेट, अब ये डबलेट जो है, ठीक है, ये डबलेट अब क्या करेगा कि इस वाले प्रोटॉन के साथ कपल करेगा, ठीक है, और ये दो हैं, तो अब आप देखो आप इसको एन प्लस वन लगाओ तो दो प्रोटॉन्स है ना, टू प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री। तो अब आप लोग देखो आपका ये डबलेट जो है वो मजीद ट्रिप्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे देखो, ये एक ये दो ये तीन, ये एक ये दो ये तीन, ठीक होगी बात। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि ये डबलेट ऑफ ट्रिप्लेट्स है, ठीक है, जो हमें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के केस में मिलता है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के केस में हमें क्वार्टेट जहाँ मिलना था वहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के आने की वजह से पहले यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्गर कपलिंग करके डबलेट बनाया, अब उस डबलेट ने मजीद इन दो प्रोटॉन्स के साथ कपल करके इसको ट्रिप्लेट में जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पे पहले आपको पीक जो है वो डबलेट की ऐसे मिल रही थी बेटा, ऐसे मिल रही थी, अब आप लोग देखोगे कि ये एक पीक आप देखो ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ये दूसरी, ये जो दूसरी पीक है ये अगेन एक तीन पीक्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। बेस में आप लोग देखोगे तो ये देखो ये एक और ये दो, बेस अभी भी आप लोगों के पास दो हैं, जो बता रही हैं कि आपका डबलेट जो है वो आपके ट्रिपलेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और इस केस में आप लोगों के पास अब देखो जे स्मॉल होगा और जे लार्ज होगा, जो बात मैंने आपको बता दी, ये जे लार्ज हुआ स्ट्रॉन्ग कपलिंग के रिजल्ट में, ठीक है। तो ये जे लार्ज आपके पास कैसे निकलेगा, दो टॉल पीक्स के दरमियान में, ठीक है, ये जे लार्ज होगा ये वाला। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कपलिंग कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट भी करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ ये याद रखो कि डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स में आप लोगों के पास जो है वो क्या होगा, दो जे निकलेंगे, एक स्मॉल जे जे एस, ठीक है, जो वन और टू से निकल आएगा आपके पास, जे वन
माइनस जे टू, ठीक है। इसको आपकी इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको दी हुई होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी होगी, ये बेसिकली आपके पास छह केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होंगी, ठीक है। और हर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये इनके ऊपर जो है वो मेंशन होंगी, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आपके पास जो है वो स्मॉल जे कैसे निकलेगा, जे वन माइनस जे टू, और साथ जो आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, मैंने बताया था कि 4 हर्ट्ज भी, 400 मेगा हर्ट्ज भी होती है, 600 मेगा हर्ट्ज भी होती है, या आपके पास मेगाहर्ट्ज कर दो उसको, ठीक है, या 300 मेगाहर्ट्ज भी होती है, ठीक है। उसके साथ आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू आ जाएगी। ये स्मॉल जे कैलकुलेट हो गया जो ये होंगे, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्मॉल जे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल जे, देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्मॉल जे, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्मॉल जे, ठीक है। ये सारे क्या है, जे स्मॉल है, और जे लार्ज क्या होगा, इस एक बड़ी पीक और इस एक बड़ी पीक के दरमियान का डिस्टेंस, और यहाँ पीक्स में देखो तो दो टॉल पीक्स के दरमियान जो डिफरेंस आएगा आप लोगों के पास वो जे लार्ज होगा, टू टॉल पीक्स के दरमियान का डिफरेंस आप लोगों को जे लार्ज की वैल्यू देगा, ठीक होगी बात। अब ये तो आप लोगों के पास क्या था, ये आप लोगों के पास था डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास होता है ट्रिपलेट ऑफ डबलेट्स भी होता है, ठीक है। एक आप अभी जो हम लोगों ने केस पढ़ा वो डी टी था, और एक केस आप लोगों के पास होता है टी डी का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, आप लोग चेक करो। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे पहले क्लोरीन था ना, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गए, दोनों प्रोटॉन्स आ गए, ठीक होगी बात। और यहाँ पे देखो ये आपके पास जो है, यहाँ पे पहले आपके पास दो प्रोटॉन थे, अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखो, व्हेन एच ए फर्स्ट कपल विद टू प्रोटॉन्स ऑफ लार्ज जे वैल्यू एंड देन कपल विद एच प्रोटॉन ऑफ स्मॉल जे वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट कपल विद टू प्रोटॉन्स ऑफ लार्ज जे वैल्यू, वो कब पॉसिबल होगा बेटा। अब यहाँ पर जे की लार्ज वैल्यू किन दो प्रोटॉन्स के साथ कपल करके आ सकती है, देखो इसके साथ और इसके साथ, क्यों, ये देखो बेटा आप लोगों के पास देखो, ये एक तो ये अक्रॉस डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक तो ये अक्रॉस क्या है, डबल बॉन्ड है। सेकेंड आप लोग जरा चेक करो कि ये ट्रांस में है, डबल बॉन्ड भी ट्रांस में है, ठीक होगी बात। और यहाँ पे तो ये सिस की अगर इसके साथ कपल करता है तो लेट्स से वैल्यू देगा 8 to 12 हर्ट्ज के दरमियान जो है वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और यहाँ पे जब ट्रांस के साथ करेगा तो राउंड अबाउट 18 हर्ट्ज के दरमियान ये आपको जो है वो जे की वैल्यू देगा। अब आप लोग देखो, और यहाँ पे जब कपल करेगा इस प्रोटॉन के साथ तो 6 to 8 हर्ट्ज के दरमियान में इसकी कपलिंग होगी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये दोनों स्ट्रांग कपलिंग होंगी ना, ठीक है। अब इन दोनों के साथ जो है वो एट अ टाइम करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अब आप लोग देखो ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं ना, तो यहाँ फॉर टाइमिंग जरा N+1 रूल लगाओ आप लोग। जब ये एच ए आपका इन दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के साथ, क्योंकि इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है तो इन दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं ना, तो यहाँ पे दो अब इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग, अब 2+1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे जब इन दोनों के साथ कपल करेगा तो क्या करेगा, पहले ट्रिपलेट बनाएगा। यहाँ पे पहले इसने एक के साथ कपल किया था ना, तो यहाँ पे डबलेट बना रहा था। यहाँ पे ये जब दोनों के साथ करेगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स की जो है वो जे वैल्यू लार्ज है, तो ये दोनों के साथ जो है वो कपल करेगा, ठीक है। एक तो ये इक्विवेलेंट है तब एट अ टाइम इनके साथ कपल करेगा, ठीक है। और जब ये कपल करेगा तो आप लोग देखो ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, ठीक है। एन प्लस वन रूल जरा आप लोग लगाओ सिर्फ इन प्रोटॉन्स पे, तो क्या आएंगे, 2+1 = 3। तो ये क्या करेगा, ट्रिपलेट देगा। अब ये ट्रिपलेट जो है वो नेक्स्ट इस वाले प्रोटॉन के साथ जो है वो कपल करके वो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, डबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो आप लोग, पहले इसने जो है वो इन दो प्रोटॉन्स के साथ कपल करके क्या की, सिंगल पीक जो है वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गई। अब ये ट्रिपलेट जो है आप देखो, ये ट्रिपलेट अब अगेन इस प्रोटॉन के साथ जो है वो कपल करेगा, इस प्रोटॉन के साथ कपल करेगा और इस पीक को क्या कर देगा, डबलेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एक प्रोटॉन के साथ जब कपलिंग होती है तो डबलेट बनता है ना, तो ये देखो ये जब एक प्रोटॉन के साथ करेंगे तो ये ईच पीक जो है वो डबलेट में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। इन दोनों का ये जे लार्ज है, और ये जे लार्ज कब बनता है, यहाँ पर मैंने जे ए बी जो लिखा हुआ है
ये कैसे बन रहा है कि आपके पास कपलिंग ऑफ प्रोटॉन ए विद कपलिंग ऑफ प्रोटॉन बी, उससे आप लोगों के पास क्या बना, जे लार्ज बना, ठीक है। और ये जे स्मॉल में मैंने बी सी लिखा हुआ है, तो आप लोग देखो ये बेटा बी सी नहीं होगा, ये ए सी होगा, ये आप लोगों के पास ए सी होगा। और ये कैसे बन रहा है, जब आप लोगों का प्रोटॉन ए कपल करेगा सी के साथ तो ये मजीद क्या करेगा, इसको डबलेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आप लोगों के पास जो है वो जे स्मॉल होगा। जे स्मॉल ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक तो थ्रू सिंगल बॉन्ड हो रही है, ठीक है। और ये आप लोग देखो इसको जे लार्ज इसलिए कह रहे हैं, ये एक थ्रू डबल बॉन्ड हो रही है, इसके साथ कपलिंग करके हम लोगों के पास ज़्यादा कपलिंग कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो पहली कपलिंग मैंने कहा था कि आपके पास जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और अब आप लोग देखो कि अब चूंकि स्ट्रांग कपलिंग हो रही है और दो प्रोटॉन्स के साथ एट अ टाइम हो रही है, तो ये पहले ट्रिपलेट बनाएगा और ट्रिपलेट बना के देन वो उसको डबलेट में कन्वर्ट करेगा। अब आप लोग जरा इसकी पीक देखो, तो ये कुछ ऐसी पीक आप लोगों को देता है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास ये आपका होता है जे स्मॉल, ठीक है, जबकि ये आप लोगों के पास होता है जे लार्ज, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे कर दो जे स्मॉल इज इक्वल टू जे वन माइनस जे टू कर दो आप लोग, ठीक है। और जे लार्ज होता है जे वन माइनस जे थ्री। ये थर्ड पीक और फर्स्ट पीक का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय आपकी जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा अब आप लोग देखो कि ये आप लोगों के पास जो है वो जे स्मॉल हो गया फर्स्ट और सेकंड का, और फर्स्ट और थर्ड का आप लोगों के पास क्या हो गया, जे लार्ज हो गया, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने दो जे रिपोर्ट करने होते हैं, जे स्मॉल एंड जे लार्ज, ठीक है। अब ये क्या था आप लोगों के पास, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट था, ठीक है, डबलेट्स, ठीक है, टीडी था। और ये देखो पहले आप लोगों के पास ट्रिपलेट का सिग्नल कुछ ऐसा आता है, ठीक है, लेकिन जब ये एक जब ये ट्रिपलेट देखो अगेन एक प्रोटॉन के साथ इसने कपल किया और डबलेट में चेंज किया, तो ये ईच पीक जो है वो डबल पीक में कन्वर्ट हो गई। ये देखो ईच पीक जो है वो डबलेट में कन्वर्ट हो गई, बात समझ आ रही है। और अब आप बेस में देखो ये वन टू और थ्री, तो ये क्या हो गया, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। अब आप लोग आओ बेटा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग के पास तीन प्रोटॉन्स होते हैं, जिनमें से हम लोगों के पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। दो एक टाइप के होते हैं और एक डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पर भी आप लोग देख लो, दो एक टाइप के, दो इक्विवेलेंट और एक डिफरेंट टाइप का। यहाँ पर भी आप लोग देख लो, दो एक टाइप के और एक जो है वो डिफरेंट टाइप का, बात क्लियर हो रही। अब आप लोग आ जाओ एक और एग्जांपल पर। लेट्स से आप लोगों के पास ये एच ए है और इसके साथ जुड़े ये जो तीनों प्रोटॉन्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या हों, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हों, मतलब टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, मतलब ये तीनों प्रोटॉन्स जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो बेटा इस केस में आप देखो क्या होगा, सबसे पहले ये प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, डबलेट बनाएगा। जब एक सिंगल प्रोटॉन दूसरे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ डबल कपल करता है तो वो डबलेट बनाते हैं। अब ये डबलेट इस नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ कपल करेगा, ठीक है, तो वो अगेन एक डबलेट बनाएगा। और वो डबलेट जब इस नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ कपल करेगा तो वो अगेन एक और डबलेट बनाएगा। कैसे बेटा, ऐसे। ये आप लोगों का था एच ए का सिंगल प्रोटॉन, ठीक है, इसने एच बी के साथ कपल किया, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, डबलेट बना दिया, ठीक होगी बात। अब इस डबलेट ने इसके साथ कपल किया, ये एच सी के साथ कपल किया और मजीद क्या हो गई, डबलेट में स्प्लिट हो गई, दो पीक्स में ये मजीद आपकी जो है वो डबलेट स्प्लिट हो गया, ठीक होगी बात। अब देखो वन टू थ्री फोर बन गई पीक्स। अब यहाँ से ये डबलेट ऑफ डबलेट, देखो डबलेट ऑफ डबलेट दोबारा से इस एच डी के साथ जो है वो कपल करेगा और चार पीक्स को जो है वो नेक्स्ट डबलेट में कन्वर्ट करेगा। ये यहाँ जगह थोड़ी कम थी तो थोड़ा ऐसा बन गया ये, लेकिन ये चार मजीद डबलेट्स बनाएगा, ठीक होगी। ईच पीक जो है वो आगे एक और डबलेट में कन्वर्ट होगी, ठीक होगी बात। ये उस केस में जब चारों के चारों ये जो प्रोटॉन्स हैं ये नॉन इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब इस केस में देखो वन टू थ्री फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन एंड एट, तो इस केस में डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट डी 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 में आप लोगों को एट सिग्नल्स मिलते हैं, एट सिग्नल्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी के मिलते हैं आइडियल केस में।
ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, तो यहाँ तक है। ये आपके पास जो है वो 8 पीक्स आएंगे, और ये डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट होता है इक्वल इंटेंसिटी का, और ये आइडियल केस होता है जब आप लोगों के पास ऐसी इक्वल इंटेंसिटी की, सेम इंटेंसिटी की पीक्स आए। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब जब आप लोगों के पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, आप लोगों के पास डी डी भी बन सकता है, डी टी भी बन सकता है, या डी 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 भी बन सकता है। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों आप लोगों के पास नॉन इक्विवेलेंट होंगे। इसमें आप लोगों के पास जो है वो दो टाइप्स के प्रोटॉन्स होते हैं, दो आप लोगों के पास इक्विवेलेंट होते हैं और एक आप लोगों के पास चेंज होता है। ठीक है, उसकी टाइप या उसकी नेचर चेंज होती है बाकी दो प्रोटॉन्स से। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों के पास ये दो बनता है। अब डिपेंड करता है कि पहले टीडी में वो टीडी तब बनता है जब दो प्रोटॉन्स के साथ पहले कपलिंग होती है, तो वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और देन अगेन वो जो है नेक्स्ट प्रोटॉन के साथ जो है वो कपल करते हैं। यहाँ देखो, टीडी तब बनता है जब दो प्रोटॉन्स के साथ पहले कपलिंग होती है। ठीक है, दो प्रोटॉन्स के साथ इसने पहले कपलिंग कर दी तो ट्रिपलेट बना दिया, और देन इन्होंने इस वाले प्रोटॉन के साथ कपल किया तो उस ट्रिपलेट को क्या करते हैं, डबलेट में कन्वर्ट कर दिया। और डी टी आप लोगों के पास कब बन रहा होता है, जब आपका प्रोटॉन जो है वो पहले एक प्रोटॉन के साथ कपल करता है तो डबलेट बनाता है, और वो डबलेट इन दो प्रोटॉन्स के साथ कपल करके मजीद इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये नॉन इक्विवेलेंट कपलिंग थी, कि जब आपका प्रोटॉन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के साथ कपल करता है।